सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। आखिर कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग ओडा से कोई चीज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो उससे ज्यादा हमें ला करके देते हैं। बहुत बार होता है, लगभग हर बार 90% बार ओडा हमें उससे 10 गुना ज्यादा ही चीज ला करके देते हैं, पर इस बार का लेवल उससे भी ऊपर चला गया। यार देखो, आज का जो स्पॉइलर आया है ना, मतलब ओडा ने जिस हिसाब से ओपनिंग की है, मतलब उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इस बार हो सकता है कि वही हाईएस्ट सेलिंग मांगा में नंबर 1 पे हो। क्योंकि यार पिछले 2 साल से एक बार 3 नंबर पे थे, एक बार 6 नंबर पे, अब चाहिए उनको नंबर 1 का स्पॉट। और एक तरह से यार ये होना ही था, जब उनका राइवल टीटे कुबो का एनिमे वापस आ गया तो ओडा को तो बताना ही था कि नंबर 1 पे कौन है। तो यार जैसा कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम बात करेंगे वन पीस के मांगा चैप्टर 1037 के स्पॉइलर को लेके। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो, मैं तुम लोग से एक डिमांड करना चाहता हूँ। आई होप कि तुम लोग सपोर्ट करोगे। टेंशन मतलब सब्सक्राइब लाइक ये सब करने नहीं बोलूंगा। एक्चुअली हमारा एक सब्सक्राइबर जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे बोला कि उसका जो है प्रोजेक्ट है बीबीए कोर्स कर रहा है और उसके लिए जो 400 फॉर्म्स में साइन अप करवाना। तो यार देखो, तुम्हारा कुछ खर्चा वर्चा नहीं हो रहा है, कुछ पैसा थोड़ी लग रहा है, जाकर के बस नाम वगैरह यही सब भरना है, इससे उसका भी कुछ भला हो जाएगा। तो जाओ जाकर के 400 साइन अप कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। खैर चलो सीधे मांगा चैप्टर के स्पॉइलर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मांगा चैप्टर स्पॉइलर, चैप्टर का टाइटल होने वाला है सुरोन हाके। अब ये चीज यार ऑफिशियल जब आएगा तो हो सकता है इसका नाम चेंज हो जाए, पर फिलहाल के लिए सुरोन हाके ही है। प्लस पहला स्पॉइलर ये है, फ्लावर कैपिटल में जो फंक्शन चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था, वो खत्म होने के कगार पे है। मुझे मालूम है तुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं ओडा इसको कितना लंबा खींच सकते हैं। तो सीधे फाइट पे आते हैं। ये वाला स्पॉइलर बहुत ज्यादा मजेदार है, क्योंकि लूफी वर्सेस काइडो की फाइट चल रही है, जहां पे काइडो साके पी रहा है। साला यही औकात रह गया मुंह बोला फिफ्थ एम्परर का। प्लस जिस किसी को भी नहीं मालूम, जो काइडो का जो सुरोन हाके है, अगर मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूं तो माफ कर देना, ये जो है सराबी काइडो का एक स्पेशल टाइप का अटैक है, जिसका बारे में जब मांगा चैप्टर आएगा या फिर एनिमे आएगा तो हमें अच्छे से मालूम यार पड़ जाएगा, क्योंकि देखने में ये शायद वो और मस्त हो सकता है, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे बस नाम सुन के ही अजीब सा लग रहा है। और अपना काइडो जो है दारू पी के ड्रंकन मास्टर बन चुका है और उस तरह से वो लूफी के खिलाफ फाइट कर रहा है, जहां पे उसके चेहरे के अलग अलग हाव भाव हमें देखने को मिलते हैं। कभी वो उदास रहता है, कभी वो रोता है, तो कभी वो गुस्से में रहता है। साला ये सच में पागल सा हो गया। प्लस यहाँ पर काइडो भी लूफी को कुछ अटैक्स करता है, जिसके नाम बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे से नहीं लिया जाएगा। और लूफी भी उसको रॉक्स गैटलिंग करके फाइट करता है, जो कि फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रहा है। एक चीज तुम मुझे बताओ, आज से पहले लगभग अराउंड 4-5 महीने पहले, जब लूफी वर्सेस काइडो का फाइट हमें दिखाया गया था कॉन्करर हॉकी क्लैश, जब बादल फटे थे भाई, वो चैप्टर आतंक मचा दिया था, बवाल मचा दिया था यार वो चैप्टर में। बस वही पेज के वजह से वो किस लेवल पे पहुंच गया था। इस चैप्टर में यार फाइटे दिखा दिया, पर फिर भी ये चैप्टर का मेन हाईलाइट पॉइंट है ये नहीं, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो तो एक अलग मुकाम पे, हमें इसके बाद मेरी जोश की तरफ ले जाया जाता है। अब मैं अगर मेरी जोश ठीक से नहीं बोल पाता हूं तो माफ कर दो, वही जहां पर फाइव एल्डर्स बैठते हैं, वहां पर हमें कुछ चीजें ऐसी मालूम पड़ती है जिसके बारे में तुम शायद सोचे भी नहीं होगे। भाई निको रॉबिन को पकड़ने के लिए फाइव एल्डर्स ने ऑर्डर दिया है, गोरोसे ने ऑर्डर दिया है, प्लस वानो कुनी के लगभग पहुंचने ही वाली है नेवी की पूरी फ्लीट। अब देखो यहाँ पर मैं स्पॉइलर को पढ़ पढ़ के एक एक चीज नहीं बताने वाला, मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो यार सिंपल, तुम लोग बिंदास होकर वीडियो देखो, मैं यहाँ पर अपने भी पॉइंट्स बताऊंगा। साथ ही साथ वो लोग जो कल मेरे कम्युनिटी टैब को रीड करके ये कह रहे थे भाई वीडियो आज ही डालो, वीडियो जल्दी डालो, तुम डेली कर रहे हो, लेट कर रहे हो, ये कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई देखो यार 3 के अराउंड फैमिली हो चुकी है हमारी, तो बिदास हो करके थोड़ा वेट किया करो, क्योंकि यहाँ पर मैं कैमरे में आके कुछ भी बक नहीं सकता। तुम लोग को भी जानते हो, मैं बस स्पॉइलर आके तुम लोग को ज्ञान देके चल जाऊंगा, वो चीज अच्छा नहीं है। इससे अच्छा मैं तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हुआ जाओ, तो इस वजह से थोड़ा वेट कर लिया करो। अब जैसा कि तुम जानते हो, नेवी का पूरा फ्लीट जो है वानों की तरफ बढ़ चुका है, लगभग पहुंचने ही वाला है,
वहां पर देखने को मिलता है एक बड़ा सा शैडो, और यार वही फ्लीट में से एक बंदा निकल करके कॉल लगाता है सीधे गोरोसे को, और गोरोसे यहाँ पर बात करते हैं कि वो एक लेजेंड है जो कि सेंचुरीज से नहीं दिखा। अब हाँ, रेडिट वाले स्पॉइलर पे ये चीज नहीं है, बट मुझे जिस बंदे ने ये स्पॉइलर लाके दिया उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो एक लेजेंड था जो इस शैडो में दिखाया जा रहा है, बस वो सेंचुरी से नहीं दिखा। मतलब तुम समझ रहे हो, वो एक ऐसा बंदा है जिसे हमने बहुत टाइम से नहीं देखा। हो सकता है इस बंदे का इंट्रोडक्शन पहले भी हमें दिया गया होगा। लास्ट में हमें एक और चीज मालूम पड़ता है कि ये जो शैडो है ये बहुत बड़ा शैडो है। और हाँ, गोमू गोमू नोमी उसका रियल नेम नहीं है, ये डेविल फ्रूट को लेकर भी मैं बात करूंगा एंड में, पहले हम लोग इस शैडो को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें एक चीज तो मालूम पड़ता है कि ये जो शैडो है बहुत बड़ा है। मतलब तुम समझ रहे हो, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन तो है नहीं, और ये सैंक्स भी नहीं है, ये बात भी तुम दिमाग से हटा दो। प्लस बहुत सारे लोगों का मानना है कि हो सकता है वो सिकी द गोल्डन लायन का रिटर्न हो, तो ये चीज भी नहीं है, और ना ही ये एनरू है, क्योंकि अगर ये एनरू होता तो इनके बारे में गोरोसे को कैसे मालूम है, प्लस मरीन्स को भी कैसे मालूम है, नेवी क्यों डर रही है भाई, ये सारी चीजें गोरोसे के यार तोते उड़े हुए हैं, ये सारा चीज हमें मालूम पड़ रहा है। वो लोग यार इस पे बात कर रहे हैं, वो बंदे बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है भाई, वो वर्ल्ड पे राज करती है, ये बहुत ज्यादा लफड़ा है। इस पे मैं थ्योरी वीडियो भी लेकर के आऊंगा कुछ दिन में, तो थोड़ा वेट करना। प्लस एक चीज मुझे बताओ, आज से पहले तुमने कभी सुना है, कभी सोचा भी था कि फाइव एल्डर्स डायरेक्ट किसी को ऑर्डर दे, डायरेक्ट पूरे फ्लीट को ऑर्डर दे देती है कि जाओ जाके वहां पर निको रॉबिन को कब्जा करो? ऐसा आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो सबसे ऊपर कौन है, ईमू सामा है, उससे नीचे कौन है, फाइव एल्डर्स है, उससे नीचे आता है कॉन्ग, अब पता नहीं यार वो अभी क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे नीचे कॉन्ग आता है, और उसका नीचे आता है फ्लीट एडमिरल, और उसका नीचे आता है नॉर्मल वाला एडमिरल, फिर नीचे आता है वाइस एडमिरल। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो गोरो से ऑर्डर दिए हैं, मतलब ये बहुत बड़ा इशारा है। प्लस यहाँ पर ओडा ने एक बात प्रूफ कर दिया जो उन्होंने आज से कुछ सालों पहले कहा था, वानों के बाद तुम सब मरीन फोर्ड को भूलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ओडा ने बहुत बड़ा वॉर छेड़ने का प्लान बना लिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर हमें फाइट देखने को जरूर मिले वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ। हाँ, ये फाइनल वॉर नहीं है, मुझे भी मालूम है, पर यहाँ पर फ्लीट के साथ तो फाइट दिख सकता है। प्लस क्या यहाँ पर कोई एडमिरल आ रहा है? तो मुझे लगता है कोई ना कोई एडमिरल तो जरूर आ रहा, हो सकता है अपना ग्रीन बुल ही आ जाए, पर कोई ना कोई तो यार जरूर आ रहा। एक और चीज मैं लेकर के बहुत ज्यादा श्योर हूँ, यहाँ पर रॉक टी जेबेक, सिकी द गोल्डन लायन, एनरू, ये सारे लोग तो है ही नहीं, और हाँ जॉय बॉय भी नहीं आने वाला, ये चीज अपने दिमाग से हटा दो, और इसके ऊपर मैं पूरी तरह से प्रूफ देके बता सकता हूँ। खैर, अब बात करते हैं डेविल फ्रूट को लेके। अब देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक ऐसे डेविल फ्रूट का नेम जो है हाइड किया, उसका नाम बदल दिया। अब कौन सा वो डेविल फ्रूट है वो हमें नहीं मालूम, लीकर के थ्रू हमें ऐसा लग रहा है कि वो डेविल फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी को देना नहीं चाहती थी, किसी के बारे में बताना नहीं चाहती थी। प्लस ऐसा भी तो हो सकता है जो लूफी का डेविल फ्रूट का नेम है गोमू गोमू नोमी, वो इसका रियल नेम है ही नहीं, इसका कुछ और अलग सा पावर है। प्लस हमें एक और चीज मालूम है, लूफी का डेविल फ्रूट नॉर्मल है ही नहीं। अब ये सारी चीजों पे यार कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा से सोनन एनिमे का इतिहास रहा है, सोनन मांगा का भी इतिहास रहा है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं रहता है। प्लस अपना जो लूफी है वो नॉर्मल सा पैरामिसर टाइप का डेविल फ्रूट यूज करता था, पर हाल ही में हमें मालूम पड़ा यही वानो आर्क में कि ये कोई नॉर्मल पैरामीसिया है नहीं, ये कुछ स्पेशल टाइप का है। प्लस तुम एक और चीज पे ध्यान दो, सैंक्स ने इसे चुराया था, और किस तरह से लूफी को मिला ये बात भी तुम अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल यार उठते हैं, जिनका जवाब जब मांगा चैप्टर आएगा तभी हमें मालूम पड़ सकता है। प्लस चैप्टर के एंड में उस शैडो का आइडेंटिटी रिवील होता है, मतलब यार चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, और मैं वो चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर वो शैडो के अंदर है कौन, मुझे ये चीज जानना है, क्योंकि यार वानो में ये मिला के हम दो बार शैडो देख चुके हैं। एक बार शैडो कब दिखा था, जब आकाजाया 9 पिट करके काइडो से पिट करके नीचे पड़ी हुई थी और उनको किसी ने हील किया था, उस वक्त हमें शैडो दिखाया गया था, और वानो में ये दूसरी बार है। अब देखो यार,
क्या निकलता है, कौन है ये शेडो के पीछे का असली सच्चाई, कौन है ये बंदा जिससे यार गोरोसे तक हैरान है। खैर मैं ये चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब तुम्हारा क्या मानना मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज यार बताना मत भूलना। साथ ही साथ इस पे मैं डिटेल से थ्योरी वीडियो लाऊंगा, मैं डिस्कशन करूंगा आखिर कौन हो सकता है वो बंदा। तो फिलहाल के लिए वेट करो क्योंकि ये था मांगा चैप्टर का स्पॉइलर रिव्यू। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और हाँ, अगर ये वीडियो प्रीमियर होते होते हमारे 3K सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं तो आप सभी को हमारे 3K YouTube फैमिली के लिए बहुत बहुत बधाइयां। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।